नमस्कार, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी है। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज थोड़ा सा आप चेक करेंगे इस गाड़ी को। अंदाज़ा लगाइए 1-2 सेकंड के लिए बिना कुछ भी करे। सबसे पहले कमेंट में लिखिए कि आपको क्या अंदाज़ा है कि कौन सी गाड़ी होगी, किस जनरेशन की गाड़ी होगी। अभी मैं आपको 2-3 सेकंड का टाइम देता हूँ। चलिए अभी मैं ही बता देता हूँ। ये दरअसल सेकंड जनरेशन है जो आजकल की गाड़ियों को आप लोग बहुत प्यार करते कि नहीं, मेरे को वो जो पहले M2DICR या MDI वाले इंजन आते थे ना, वो बहुत अच्छे लगते थे। अभी ये उसी का बेस देख रहे हैं। डिज़ाइन जो ईगल आई वाला आपको डिज़ाइन मिलता था वो इसी गाड़ी ने स्टार्ट किया था। ये 2005 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी। और आप इस गाड़ी की कंडीशन, आप मेरे को बोलते हो आप गाड़ी कभी चलाते भी हो, ये देखो आप 2007 की गाड़ी है। 13 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को और देखिए किस तरह से साफ़ सुथरी गाड़ी है। मात्र 73,000 किलोमीटर चली है। आप गाड़ी चलाएं या ना चलाएं, उसको साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी। और एक चीज़, हाँ, जब ये लॉन्च हुआ था 2005 में, तब उन्होंने लॉन्च किया था एसएलएक्स को। एसएलएक्स उन्होंने थोड़ा सा प्रीमियम किया था। उन्होंने पावर स्टीयरिंग को लॉन्च कर दिया था, उन्होंने पावर ब्रेक को लॉन्च किया था, पावर क्लच को लॉन्च किया था, साथ में आपके पावर विंडोज़ को लॉन्च किया था। और इसके साथ ही उन्होंने सेंटर लॉकिंग को लॉन्च किया था। जेडलेक्स 2012 के बाद जब M2DICR वाली गाड़ी आने लगी बुलेरो की, उस टाइम पे जेडलेक्स वो प्रीमियम लुक का लॉन्च किया था। जैसे कि आपका पीछे का सिल वॉशर हो गया, वो आपका अच्छा सा एक्स्ट्रा था। साथ में वॉइस मैसेजिंग का इंफॉर्मेशन के लिए था। और साथ में आपकी उस गाड़ी में एक चीज़ का थोड़ा सा और बेनिफिट दे दिया था, सेकेंडरी डिस्प्ले दे दिया था, जिससे आपका एवरेज क्या है, कैसे, मतलब समझ लीजिए टाइमिंग का सबका है। ये मेरे जीजा जी की है, ऑनेस्टली बताऊँ ये बहुत कम चली हुई है, बहुत कम। 76,000 के अप्रॉक्स चली है। और गाड़ी को हमेशा अच्छे से रखिए। ये पहली ऐसी गाड़ी थी जो डुअल टोन में आई थी। आज भी गाड़ियाँ जो आ रही है ना, वो डुअल टोन में नहीं है, वो सिंगल टोन मतलब एक कलर में है। तो ये पहली गाड़ी आई थी, फिर उसके बाद इन्होंने बंद कर दी। जैसे आपको पता चल रहा है ये डायमंड वाइट कलर है और ये हल्का सा ग्रीन ग्रेस, मतलब हल्का सा डल ग्रीन टाइप का ये कलर है। मेरे को एक्चुअल में इसका कलर नहीं मालूम। इस गाड़ी का आप क्या देखोगे, आप इसका डैशबोर्ड देखोगे, बहुत ही सिंपल डैशबोर्ड। उस हिसाब से डिजाइनिंग बिल्कुल चौकोर, समझ रहे हो, डब्बे बॉक्स के आकार की थी। ये आपका एसी का कंट्रोल है और ये एसी है, ये ब्लोवर की स्पीड है। और साथ में आपको पहले की 4 ब्लोवर मिलते थे। और आप ये देखेंगे इस गाड़ी में आपको सबसे बड़ी बात, मैनुअल मीटर मिलते हैं, फ्यूल मीटर, स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर, साथ में टेम्परेचर मीटर। ये चीज़ बहुत अच्छी थी इस गाड़ी। ये ऑनेस्टली बताऊँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और देखिए कितने किलोमीटर, 76,719 किलोमीटर्स। और बहुत साफ है, मेरे से ज़्यादा साफ है। ये रूफ वूफ देख रहे हो आप, बहुत साफ है। हाथ से ये देख रहे हो आप, बिल्कुल चमक रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे न्यू गाड़ी आई। बहुत संभाल के रखा है इन्होंने। ये थोड़ा सा शायद म्यूजिक सिस्टम ख़राब हो गया होगा, इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया जी। आप हम लोग बोलते हो ना कि M2DICR DI इंजन से फास्ट कोई इंजन स्टार्ट नहीं होता, मतलब यार M2DICR इसके सामने कुछ नहीं है। ये DI इंजन है, कितने जल्दी ये स्टार्ट होती है गाड़ी। बाद देखो आप, पता भी नहीं चला, खट से स्टार्ट हो गई। M2DICR भी 3 बार गलती होती। तो अभी RPM भी देखिए, करीब 750 RPM के आसपास है। इंजन बहुत ही शानदार है। आवाज़, हाँ, नो डाउट M2DICR से इसमें आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है। और ये देखिए, पहले इसमें ये वाला विंडो आता था, पता नहीं आप मेरी आवाज़ अच्छे से जा रही नहीं। और हीटर का नोब है और ये आपका हैजार्ड का है, ये एडजस्टिंग के लिए। पूरा बॉक्सी लुक था। ओह, चलिए हम आगे चल के इसके इंजन के बारे में बात करेंगे। और ये आप देख रहे हैं ना, मेरे को यार पता नहीं, ये बहुत कमज़ोर है। देखिए आप, ये बहुत ही हल्का है, एक काम ही नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, ये भी नहीं काम कर रहा है। इसको मतलब बनाना पड़ेगा और ये बन जाएगा। और इसका ब्लेड भी ख़त्म हो गया। डुअल टोन में मेरे ख्याल से 3 टोन में है। ये आपको हल्का सा ग्रीन टाइप का दिख रहा होगा, ये हल्का सा ग्रीन टाइप का, ये बेज कलर का। और साथ में ये आपको थोड़ा सा वुडन फिनिश में दिख रहा है। और उसके इसके साथ ये हल्का सा ग्रेस टाइप का आपको दिख रहा है, मतलब चार कलर 1 2 3 4, ये देखो ये तो 4 टोन हो गए। खैर गियर की मैं बात करूंगा, M2DICR से हल्के गियर हैं। खैर इसको बहुत प्यार से यूज किया है तो इसलिए इसमें पता भी नहीं चल रहा है, बहुत ही हल्के गियर। और एक चीज़ और, हमारी M2DICR में टकराता था, ये सब टकराते थे, इसमें नहीं है। बाकी स्पेस नॉर्मल है, एक बॉटल होल्डर आप यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। खैर बॉटल होल्डर गिर जाएगा। फिर इसका सेंट्रल कंसोल ये नहीं बोल सकते कि उससे ख़राब है, मैं तो इसको थोड़ा सा अपर साइड ही दूंगा, मतलब ये अच्छी जगह पे लगा हुआ है, मतलब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा यहाँ पे जैसे आपको ढूंढना पड़ता है, ये अच्छा है। पर हाँ थोड़ा सा पीछे है तो शायद पहुँचने में उतनी सारी दिक्कत नहीं होंगी। ये बहुत लाइट वेटेड है। और एक चीज़ मैं आपको सच में बता दूँ ना, इनकी बिल्ड क्वालिटी हमारी वाली M2DICR से, न्यू BS6 से, बुलेरो से काफ़ी अच्छी है इसकी बिल्ड क्वालिटी। बटनों की जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छी है, फीलिंग भी अच्छी है इनकी। पर हाँ थोड़े से कमज़ोर तो हैं, इतने भी कमज़ोर नहीं है। चलिए अभी आपको इंजन दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं। देखिएगा मेरे हाथ को, इसे कहते हैं स्टार्ट होना यार, इसे कहते हैं स्टार्ट होना। फ्रंट लुक आपका ये है। अभी ये आपको जो कांच दिख रहा है, हमारे में थोड़ा सा ये जो पहले प्रीमियम माना जाता था, हमारे में ये कलर्ड है साइड इंडिकेटर, पर इसमें कलर्ड नहीं है, इसमें सीधे बल्ब को ही कलर्ड कर दिया गया है। साथ में हमारे में जो हेडलाइट, ये जो छोटी वाली लाइट होती है जो इसको DRL भी अपन लोग कभी कभी कह देते हैं, वो यहाँ पे रहता है, लेकिन इसमें इधर साइड पे है। सेम वाले बल्ब हैं, कोई अंतर नहीं है, वही सिस्टम है। ये ग्रिल जो आपको दिख रही है ना, ये आपको कुछ ध्यान लगाती होगी, और ये लाइट भी ये आपके कैंपर में आजकल यूज होते हैं। फ्रंट से वही गाड़ी है, सब 4 मीटर से ऊपर की गाड़ी है। और एक चीज़ आप और देखेंगे, इसके बम्पर के साइड में प्लास्टिक के बीट्स दिए हैं। अभी आप बताओ यार ये चीज़ें। और इसके फॉग लैम्प तो काफ़ी जा चुके हैं, ख़त्म है। साइड में डुअल टोन है, डायमंड वाइट, साथ में ये ग्रेस, कौन सा कलर है मेरे को मालूम नहीं है, हमने पता ही नहीं किया कौन सा कलर है। उसके बाद आपको ये डिहाइटर वो SLX की बैचिंग है। पीछे भी टेल लैम्प आते हैं। वही बड़ा वाला आपका ये जाम हो चुका है, हाँ अभी इसकी पन्नी नहीं उतरी 13 साल की गाड़ी की चलिए हो गया। ये देखिए पहले कैसे मैट आती थी, पहले के ज़माने में, ध्यान से देखिएगा। ये प्लास्टिक से, प्लास्टिक उसको लगाया गया है इनके ऊपर, ये देख रहे हैं आप, ट्रांसपेरेंट है। और वही जैक वाला सिस्टम है, सब कुछ सेम ही है। अभी तक इस गाड़ी की देखिए ना बीट तक लगी हुई है, तो आपने पीछे से इसको देख लिया। वही लुक जो आपकी बुलेरो में होता है, थोड़ा सा धूप है फिर भी आप समझ लेंगे। एक चीज़ इसमें अच्छी है, इसमें SLX उधर भी लिखा है इधर भी लिखा है, जबकि हमारी गाड़ियों में SLX जनरली पैसेंजर को पैसेंजर साइड पर लिखा रहता है, इसमें तो दोनों तरफ लिखा। ये चीज़ अच्छी है बाबा। अब पहले देखिए ये डबल वाले टेप नहीं आते थे ना, तो क्या करते थे लोग, ध्यान से देखिएगा, पेचकस से इसको टाइट कर देते थे इसके अंदर। इसको रिस्टोर करने की ज़रूरत है, देखिए कभी बाद में टाइम मिलेगा तो आऊँगा ज़रूर। पीछे वाली सीट सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। रिक्लाइन थोड़ा सा हम लोगों का, मैं चेक ही कर लेता हूँ। इसकी सीटें थोड़ी सी हार्ड है, इसकी सीटें हार्ड है उनकी अपेक्षा। पर एक चीज़ और है कि थाई सपोर्ट वही वाला है, ये सीटें तो वही चल रही हैं, कुशनिंग में थोड़ा बहुत अंतर है। M2DICR में यही वाला है, पावर प्लस में ये थोड़ा सा बदल गया, वो मोटा हो गया, बाकी ये वाला पूरा पिलर सेम ही सेम है। जब 2011 में आया था ना, तब तो वो डैशबोर्ड चेंज हुआ था। चलिए आइए इंजन की बात करते हैं। ये वही वाला 2500 सीसी का इंजन है। आजकल की जो गाड़ी, आजकल की तो नहीं है, 1500 सीसी है जो हमारी M2DICR MDI, यही वाला इंजन आता था। और ये 2500 सीसी का इंजन है। ये इंजन सबसे ज़्यादा सक्सेस आज तक की महिंद्रा का है, इंजन सबसे ज़्यादा। M2DICR इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल है, पर है वो इंजन यही, उसमें सिर्फ कॉमन रेल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है बस, और थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन है, पर है ये इंजन अगर आप देखोगे ना तो सीधा सीधा यही है, क्योंकि लोग कुछ लोग M2DICR को DI में भी चेंज कर देते हैं। इसमें जो स्टेयरिंग है ना वो आपका मेटल में है, जबकि हमारे में प्लास्टिक है। और हाँ, इसमें दो फिल्टर आते थे, जो ये पुरानी वाली है, और जब आपको हमारे में तो ऑटोमेटिक है, आपने 2-3 बार अपने की इग्निशन को ऑन किया ना तो वो अपने आप प्रेशर बना लेता, पर इसमें ऐसा नहीं। इसमें क्या करना पड़ता है, इसको ऐसे हल्का सा ढीला करना पड़ता था, और जब ये ढीला हो जाए अच्छा खासा तो फिर इसको ऐसे ऐसे पंप करना पड़ता था। तो अभी तो इसमें फुल है तो इसको ऐसे ही कस दिया जाता था। इसमें दो फिल्टर आते थे। ये अपना इनलाइन वाला है, तो यहाँ पे जो है अपने बड़े छिद्र वाले मतलब मोटे से होल वाले फिल्टर रहते थे, यहाँ पे माइक्रो वाला रहता था, छोटे छोटे वाला। तो अगर आप देख रहे हैं आपके पास है ना, तो माइक्रो वाला कंपनी ये कहती है कि आप 10,000 पे चेंज करवा लो, इसका अगर आप ख़राब हो तो चेंज करवाओ, नहीं तो 20 से 30,000 पे आप देखते रहो, जब आपको चेंज करवाना हो तो आप चेंज करवा सकते हो। हाँ, किसी की गाड़ी में एयर आ जाए ना, तो जो मैंने ढंग बताया ना कि आपको इसको ऐसे खोलना है, यहाँ पर ऐसे खुल गया, फिर आपको ये वाला नट जो छोटा वाला है ना, ये आपको दिख रहा है, इसको हल्का सा खोल देना है और फिर आपको ऐसे ऐसे पंप करना है। तो जब आप पंप करोगे तो वो अपने आप तेल इधर को आएगा, प्रेशर बनाएगा और तेल यहाँ पे आएगा। वो एक्चुअल वैक्यूम हटाने के लिए होता है, जैसे आप पावर ब्रेक में करते हैं। इसमें नोजल लगे रहते हैं, हमारी M2DICR की तरह इसमें इंजेक्टर नहीं होते, इसीलिए आपको यहाँ पे कहीं पे भी वायरिंग नहीं दिखेगी ना। तो इसमें ECU है, ECU भी इसमें नहीं, तो आपको ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन EGR रहेगा, आपको EGR रहेगा, और ये भी टर्बो ही है। और आपको इनलाइन पंप मिलेंगे, ये देखिए 1-2 बार एक साथ गए हैं और ये 2 बार एक साथ गए हैं। जैसे हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उस तरह से इसका पंप नहीं होता, ये डिफरेंट। ये जो DI इंजन में जो बनाते हैं ना, ये प्रेशर कम बनाते हैं इन M2CR की अपेक्षा, कॉमन रेल की अपेक्षा, इसलिए इनका थोड़ा सा मेंटेनेंस कम है। कोई ACU से रिलेटेड है, बहुत सारे सेंसर काम करते हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं है सेंसर की काम करे। वही जैसे हमारी BS3 गाड़ियाँ आती थी, उसमें अपने खुद ही आप सेट कर सकते हो, इसमें कोई आपको कोडिंग वोडिंग वाली प्रॉब्लम नहीं होती। इसकी भी सर्विसिंग वैसी ही होती थी। कूलेंट ठीक है, कूलेंट हमारे की तरह इनका भी यूज हो रहा है। एसी उस टाइम पे फर्स्ट टाइम उन्होंने लॉन्च की थी, जहाँ तक मेरे को याद है एसी भी उन्होंने पहली बार ही लॉन्च की थी, और ये एसी परफेक्ट काम कर रही है। लगभग आपको M2DICR की तरह ही इंजन लगेगा। मैंने DI इंजन कवर कर लिया, वो भी सबसे पुराना, ये सबसे बेहतरीन इंजन माना जाता है। बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं कि अगर ये इंजन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा मेरे को ज़रूर बताइए, क्योंकि सारे इंजन के सिस्टम तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए। लगभग मैंने आपको गाड़ी के बारे में लगभग सारी चीज़ें तो नहीं बताई होंगी, क्योंकि वीडियो मेरे को फालतू में बड़ा नहीं करना है, आप सब कुछ जानते हैं, तो मैंने आपको दिखा दिया। हाँ, और एक चीज़ आपको रबर यहाँ पे नहीं दिखी होगी, ये मैंने आज निकाली है। जब से ये गाड़ी गई थी ना, आज तक इसका साफ ही नहीं हुआ, ये देख रहे हो आप, आज मैंने साफ किया। तो अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, साथ में मैंने इसका वो भी किया है, बैटरी के टर्मिनल्स को साफ भी किया है, तो उसकी भी मैंने वीडियो डाली है, तो आपको आई बटन पर मिल जाएगी। इसी नोट पे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने किया है तो दिल से धन्यवाद। अब मेरे बीच में आई थी ये गाड़ी, तो मैंने सोचा कि आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। तो इसी नोट पे आपका वीडियो देखने को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।